गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MDPS। आई एम हेयर बबल दी गॉड टू टीच यू इंग्लिश। सो हाउ यू सिक्स क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन एट हिम। सो टुडे वी विल स्टार्ट और वी विल रीड आर थर्ड चैप्टर द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होते हैं बच्चे? फ्लावर्स होते हैं। डैफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के फूल होते हैं उनमें लगे हुए। और बच्चे जो ये पॉइम है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के पॉइट है इसका। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या था? एक नेचर लवर था, वो नेचर से बहुत प्यार करता था, तो उसकी पॉइम है ये। वंडर, वंडर क्या होता है बच्चे? टू वॉक स्लोली अराउंड अ प्लेस, मतलब किसी प्लेस पहले हम न्यू वर्ड्स करेंगे, तो वंडर है हमारा फर्स्ट वर्ड। वंडर क्या होता है बच्चे? इधर उधर घूमना बिना किसी मकसद के। वेल, वेल क्या होता है बच्चे? वैली, जैसे मतलब माउंटेन्स और हिल्स के बीच बिचकार में जो ग्रीन वाला जो बाग होता है सुंदर, उनको वैली बोलते हैं। आगे है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग क्या होता है बच्चे? मतलब कोई मूवमेंट जल्दी से, लाइक मतलब जैसे मतलब मूव हेयर एंड देयर, फड़फड़ाना किसी चीज़ से। ओके, स्प्राइटली। स्प्राइटली क्या होता है? फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, मतलब जो लाइफ होती है पूरी एनर्जी से बरी होती है। आउटडू क्या होता है बच्चे? सरपस, लाइक मतलब आप कोई काम में पूरे सुपीरियर, आपका काम सबसे अच्छा है, उसको आउटडू बोलते हैं। ग्ली क्या होता है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी, खुशी से। योकन, योकन क्या होता है बच्चे? चीयरफुल, मतलब पर्सन होना। पैंसिव, पैंसिव क्या होता है? थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग बिकॉज वन इज सैड, लाइक आप किसी के बारे में सोच रहे हो जो बिल्कुल सैड है, लाइक आप उसके बारे में डुगाई से सोच रहे हो। ब्लिस, ब्लिस क्या होता है बच्चे? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी होना। आगे है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, लाइक आपको मतलब आप मतलब अकेलापन महसूस करना, लाइक अकेले हो आप, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिट्यूड बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, लाइक मतलब बच्चे जो आई कौन है? पॉइट है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो बोल रहा है कि मतलब आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स, लाइक मैं एक क्लाउड की तरह, मतलब एक बादल की तरह, जैसे बादल इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका कोई मतलब कोई मकसद नहीं होता, ऐसे ही मैं इधर उधर घूम रहा था हिल्स और वेल्स, मतलब पहाड़ियों और घाटियों के बीच। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, मतलब जब मैं देख रहा था, मैंने देखा एक पूरा झुंड था वहाँ पे, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। होस्ट क्या होता है बच्चे? क्राउड जैसे झुंड होता है, होस्ट भी झुंड बोलते हैं। ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स का एक बहुत बड़ा झुंड था। बिसाइड द लेक बनीथ द ट्रीज, कहाँ पे था? लेक के पास साथ साथ में था और ट्रीज के नीचे था। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, क्या था मतलब? इधर उधर मूव कर रहा था और डांस कर रहा था ब्रीज, ब्रीज मतलब ठंडी हवा में। कंटिन्यूज एज अ स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन अ मिल्की वे, मतलब लगातार ऐसे स्टार की तरह वो जो डैफोडिल्स फ्लावर्स थे वो शाइन कर रहे थे, जैसे मतलब रात को जो स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते हैं मिल्की वे, मतलब आकाशगंगा होती है जिसमें पूरे स्टार्स ऐसे मतलब रात को हम देखते हैं ना, रात का सीन वो मिल्की वे होता है, हमारा एक गैलेक्सी है ये। दस दिस स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, मतलब वो ऐसे मतलब मतलब स्ट्रेच हुए थे, ऐसे फैले हुए थे कि उनका उनकी कभी भी एंडिंग नहीं हो सकती थी, और मतलब जो उनका मार्जिन था वो कैसा था? ऑफ द बे, मतलब मतलब बे होता है खाड़ी बच्चे, मतलब खाड़ी के पास पास में। 10,000 सौ एट अ ग्लांस, मतलब मैंने 10,000 एक ही ग्लांस में, मतलब एक ही झलक, ग्लांस कहते हैं एक झलक में देखना, 10,000 जो फ्लावर्स से मैंने एक झलक में देख लिए, पॉइंट बोल रहा है। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, लाइक वो अपने जो सिर थे उनको ऐसे हिला रहे थे जैसे उनमें फुल एनर्जी थी। ओके, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, जो उनके पीछे लहरें थी वो डांस कर रही थी, बट जो लहरों का डांस था वो मतलब उनके सामने फीका पड़ रहा था, क्योंकि वो क्या थे? बिल्कुल खुशी से थे, मतलब इतने आनंद से
वो डांस कर रहे थे कि जो लहरों का डांस था वो उनके सामने फीका पड़ रहा था। आ पॉइट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। मतलब पॉइट को मतलब इतनी खुशी मिली, गे क्या होता है आनंद मिलना, खुशी मिली उनकी कंपनी में, ओके प्रसन्न हुआ वो। आई गेज्ड एंड गेज्ड, उसने मतलब इस पर पूरा जोर दिया है कि गेज्ड कहते हैं बच्चे टिकटिकी लगा के देखना, उसने टिकटिकी लगा के देखा। बट लिटल थाट बट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राउट, मतलब उसने टिकटिकी लगा के देखा और सोचा कि मुझे कौन सी खुशी मिल रही है इनको देख के, ऐसी कौन सी खुशी, मतलब ऐसी क्या है इनमें जो मुझे खुशी मिली है इनको देख के। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाइ, बच्चे आफ्टर किसको बोला है, आफ्टर, आफ्टर होता है ज़्यादातर, ज़्यादातर जब मैं बोल रहा है, पॉइंट बोल रहा है कि ज़्यादातर जब मैं अपने सोफे पे, कोच क्या होता है सोफ़ा, सोफे पे लेटता हूँ इन वीकेंड और इन पेंसिव मूड, मतलब जब बिल्कुल मैं फ्री होता हूँ और मतलब कोई सैड मूड में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड्स आई विच इज़ ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। मतलब वो जो उनकी झलक है, जो मतलब डैफोडिल्स की झड़क है, जो मतलब मेरी आईज़ के सामने जब उनका सीन आ जाता है तो जो मेरी जो मेरा अकेलापन है वो खुशी से, मतलब मैं खुश हो जाता हूँ। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स, और जो मेरा हार्ट है वो खुशी से फिल हो जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ डांस करना शुरू कर देता। ओके सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।